आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी है। हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक जम्मू शिव कुमार जी मौजूद हैं। सर, आपसे बात करेंगे, खास तौर पर 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए एमएस स्टेडियम के पास के अगर रूट्स की बात करें, कौन कौन से रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है खासतौर, और कल की बात करें। चितम चौक के आगे से कोई भी ट्रैफिक जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी, कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं होगी टूवर्ड्स वेन्यू की तरफ। तालाब तिलो दुमाना से जो ट्रैफिक आ रही है वो कैनाल हेड तक ही अलाउ की जाएगी, उसके आगे रेस्ट्रिक्शन रहेगी। फार्चून रिवेरा के आगे हमारा ट्रैफिक बिल्कुल मूवमेंट बंद रहेगी। एसआरटीसी की जो बसेज हैं जी हाँ, जनरल मैनेजर उन्होंने एक स्पेशल बसेज फेरी बसेज का इंतजाम किया है लोगों को फैसिलिटेट कर, जो भी वेन्यू में फंक्शन देखना आना चाहते हैं गणतंत्र दिवस के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उसके लिए तमाम आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। दोनों ब्रिज जो हैं, ये गुजरनगर वाला और जो फोर्थ ब्रिज है तभी वाला, ये फ्री रहेंगे आपके यूज़ के लिए, आम जनता के यूज़ के लिए। इसके अलावा अगर कहीं आपको दिक्कत आती है, कोई बीमार है या एम्बुलेंस को मूव कराना, आप ट्रैफिक पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ट्रैफिक विभाग की बात करें तो अवेयरनेस लगातार जो है वो की जा रही है, हालांकि पेट्रोल पंप के पास भी जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि सीट बेल्ट कितनी ज़रूरी है, हेलमेट कितनी ज़रूरी है। उसके बावजूद भी हम देखें, कल की बात करें, एक एक्सीडेंट सामने देखने को नजर आया चन्नी नेशनल हाईवे पे। अभी भी एक जो है कल रात को 11:15 के आसपास जो है ट्राला जो है मार्बल मार्ग में पलट जाता है। कितने केसेस जो हैं खास तौर पर पिछले कुछ दिनों को देखने को मिले हैं, जिसकी वजह चाहे ओवर स्पीडिंग रही हो, कुछ भी रही हो, इस पर ट्रैफिक विभाग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी कंटिन्यू ड्राइव चल रही है वायलेशन को लेके, और आप मीडिया के थ्रू भी हम लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है, हेलमेट पहनना उसकी अहमियत क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई बार, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जनता को कि ये ट्रैफिक नियम जो हैं इनको लाइटली ना लें। आप उन घर को देखें जिनका कोई चिराग या किसी फैमिली का मेंबर जो है एक्सीडेंट हादसे में चला गया है, आप कभी उनका दर्द समझें, आप समझें कि एक छोटी सी गलती से कैसे एक इंपॉर्टेंट आदमी उनके घर का चला गया है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ओवर स्पीडिंग जो है इसमें आप अपने आप को तो रिस्क में डालते हैं, साथ में जो रोड पैदल चल रहा है रोड पे उसकी जान भी जो है खतरे में रहती है। इसके लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस जो वो काम कर रही है, और हमारा स्पेशल टीम अभी हम इसमें डिप्लॉय करेंगे ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाए। सर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, और वो ये है कि हमने देखा कुछ दिनों पहले ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं मेटाडोरों के अंदर जाकर सवारियों से पूछ रहे थे किराया ज़्यादा तो नहीं दिया जा रहा, ऑटो वाले से पूछ रहे थे आपने यूनिफॉर्म पहनी नहीं पहनी, लेकिन उसके बावजूद अगर मेटाडोरों की पर्टिकुलर बात करें, उनका जहां मन करे वहां ब्रेक कर मार देते हैं, जहां मन करे सवारी ले लेते हैं, जिससे पीछे जो गाड़ी आ रही होती है एक्सीडेंट का खतरा जो है बढ़ जाता है, उन पर नकेल कैसे कसी जाएगी? देखिए, इनके खिलाफ हमारा कंटिन्यू ड्राइव चल रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्री फॉर ऑल है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अभी इनके जो जितने भी प्रेजिडेंट हैं, मेटाडोर ऑपरेटर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं या बस के ड्राइवर हैं, जो भी सिटी में चल रहे हैं, इनके साथ हमने मीटिंग की थी और इनको हमने बताया था कि आप लोग भी जो है आप पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जम्मू सिटी जो है इसमें रोड्स वही छोटे रोड है, चौराहे हैं, और जीएमसी ने कुछ स्लॉट्स बनाए हैं, यहाँ पर आपको वहीं पर ही रुकना है, तो उनका पालन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की। हमारा जो कंटिन्यू जो है वो ड्राइव चल रहा है, फिर भी अगर आप जैसे हमने बताया कि अगर वायलेशन हो रही है तो हम स्पेशल टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे इसके खिलाफ और ज़्यादा एक्शन हो। 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर क्या मैसेज रहेगा तमाम देशवासियों के लिए? ट्रैफिक पुलिस जम्मू की तरफ से गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारा देश फले फूले, नौजवान हमारा तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो नौजवान को यही मैसेज है कि आपकी जान समाज के लिए कीमती है, परिवार के लिए कीमती है, देश के लिए कीमती है, अपनी जान बचाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और हेलमेट अगर टू व्हीलर है हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि हम देखते हैं कि हेलमेट ना पहने के एक्सीडेंट होते हैं और बड़ी कीमती जाने जो है सड़क पर चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। तो हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक जम्मू शिव कुमार जी मौजूद थे, और साफ तौर पर उनका कहना यही था कि आप लोग अपनी सुरक्षा के हेतु जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, आप हेलमेट पहनिए, और ट्रैफिक विभाग की पहली नज़र है खास तौर पर जो रैश ड्राइविंग करते हैं, या फिर कुछ मेटाडोर चालक जो है बीच सड़क में ही ब्रेक लगा देते हैं, जो हादसों को न्योता देते हैं, इन पर उनकी जो ड्राइव वो कंटिन्यू चलते आ रही है, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक विभाग आपसे सिर्फ आपकी जान की सही सलामती मांगता है, आपका ही फर्ज बनता है कि आप तमाम ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और अपना कर्तव्य जो है वो निभाइए। जुड़े बॉयसेस के साथ श्याम जिता, राहुल कतरी, बॉयसेस के लिए। Venture Urban Farming's presence first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. Yeah, the head dia. Gandhi Nagar. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं
कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।